मेरा प्रश्न है कि मेरी बेटी की उम्र 32 वर्ष की हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई हो पाई है। बच्चे घर में निकम्मे बैठे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, कोई उपाय बतलाइए। अब देखिए राजपूत साहब, क्या घर में परेशानी है कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपकी बेटी की उम्र 32 वर्ष हो गई, अभी तक विवाह नहीं हुआ। तो आप जो है माँ भगवती कात्यायनी की आराधना करिए। बेटी की जन्म कुंडली तो आपने कई बार दिखाई ली होगी, आप एक बार कात्यायनी की उपासना करिए। तुलसी जी के विवाह का इस बार आयोजन अवश्य करिए, अपने घर में करिए, जहाँ सुविधा हो आसपास मंदिर में करिए। तुलसी सालग्राम विवाह करिए और इस कामना से करिए कि हे तुलसी महारानी, आज हम आपका कन्यादान कर रहे हैं, ऐसे ही शीघ्र आते शीघ्र हमारी बेटी का कन्यादान करने का हमें सौभाग्य मिले। तो माँ भगवती लक्ष्मी कृपा करेंगी, तुलसी महारानी कृपा करेंगी, और तुलसी जी को आप जो कन्यादान करेंगी सालिग्राम जी के प्रति, तो निश्चित ही बेटी के विवाह का शुभ संयोग भी शीघ्र ही बनेगा। बच्चे घर में ठीक से काम नहीं करते, उसके लिए आप जो है अपने घर का वास्तु भी निरीक्षण करें कि घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं बन रहा है। घर में कुल देवताओं की पूजा समय समय पर करते रहें, पितरों की पूजा करते रहें। एक नारियल आप ले जाइए, मंगलवार को बेटे के हाथ से रखवा दीजिए, और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में रखवा दीजिए, जो सिंदूर आदि चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, जिसको चोला चढ़ाना कहते हैं, चंदोला चढ़वा दीजिए। एक ध्वजा हनुमान जी के यहाँ लगवा दीजिए, ध्वजा लगवा दें, चोला चढ़वा दें, प्रसाद चढ़ा दें, और एक साबुत नारियल, तोड़ना नहीं है, साबुत नारियल हनुमान जी के सामने एक सिक्के के साथ रखाइए और प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर में जो भी आधी व्याधि भूत प्रेत बाधा अथवा कोई भी व्याधा हो उसको दूर करिए और घर में सारे काम हमारे ठीक बनने लग जाएं, ऐसी कृपा करिए। तो हनुमान जी की कृपा से आपके घर के कार्य होने लग जाएंगे, और बेटी के विवाह के लिए आप तुलसी विवाह का एक बार कार्य अवश्य करिए।